दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद धौलपुर में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। शहर में जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और मिठाई बांटी। तो वहीं आपके कार्यकर्ताओं ने कहा कि जीत आम आदमी की जीत है और अब दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी होगा। मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत की खुशी झुंझुनू में भी दिखाई दी गई। वीर सैनिकों की भूमि के नाम से पहचान रखने वाले शेखावटी के झुंझुनू जिले के शहीद स्मारक में आप कार्यकर्ताओं ने शहीद वेदी पर जाकर पुष्प चढ़ाए और बाद में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर शहीद स्मारक के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई। इस तरह झुंझुनू में स्थित आप पार्टी के कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी। प्रत्येक वर्ग के आदमी, क्या गरीब क्या अमीर, क्या शिक्षित क्या अशिक्षित, सभी के लिए बड़ा खुशी का दिन है। आज तक आजादी के बाद से ही प्रत्येक आदमी आने वाली प्रत्येक सरकार को आशा भरी निगाहों से देख रहा था, परंतु हर बार सरकार बनने के बाद में निराशा हाथ लगती थी। पिछली बार 49 दिन की सरकार ने देश की जनता को बड़ी उम्मीदें जगाई थी, किन्हीं कारणों से वो सरकार गिर गई। इसलिए जनता एक बार पुनः आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती थी। आम आदमी पार्टी के लिए जनता ने दिल खोलकर समर्थन दिया और आम आदमी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक सफलता से जोधपुर के आप कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है। दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाई दी। कोटा में भी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद शहर में जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी के साथ ढोल की थाप पर थिरके। उन्होंने इसे केजरीवाल या पार्टी की नहीं बल्कि जनता की जीत बताया।